गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए हमने पिछली कक्षा में सिंपल डिवाइड किया है, सिंपल तरीके से बात किया है, जैसे 27 3 से। ठीक है, क्या मतलब क्या हमारे यहाँ पे हमने 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया जब जाके 27 आया। ठीक है, वही तरीका हम यहाँ पे अब यूज करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट आपका x प्लस 1 से इस पर डिवाइड करेंगे x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखिए यहाँ पे आपकी x की 3 पावर है, यहाँ पे x की 1 पावर है, तो डिवाइड हो निकल के हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आपकी ये चीज आ जाए। तो अगर मैं इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर। देखो x का क्यूब आ गया यहां पे, तो अब किससे किस पे चलिए हमारी x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया हमने x की क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस माइनस डिवाइड कर दिए हमने, साइन चेंज होते हैं, अगर प्लस है तो माइनस माइनस है तो आपका देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका x की x माइनस में 1 बाय 2 से क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आपकी x की क्यूब है, यहाँ पे x की क्या 1 पावर है, तो किस पे चलेंगे आप x की स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे x का क्यूब माइनस में भी आपका 1 बाय 2 x स्क्वायर। ठीक है जी, सॉरी माइनस साइन चेंज करेंगे प्लस, यहाँ क्या होगा कैंसिल हो गया, 3 में 1 बाई 2 क्या करेंगे ऐड करेंगे 1 बाई 2 2 आपका एलसीएम हो गया 6 प्लस 1 यानी कि 7 बाई 2 कितना आ गया आपका 7 बाई 2 एक्स स्क्वायर। आगे हमने निकाला भी 3x। अब देखेंगे यहाँ पे आपका एक्स यहाँ पे 7 बाई 2 एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, ये दोनों आपका सेम आएगा, तो मैंने क्या किया इसको प्लस का 7 बाई 2 एक्स से क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बाई 4 आपका एक्स हो जाए, वही साइन चेंज कर लिया प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस है, ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 3 के अंदर 7 बाय 4 क्या करेंगे ऐड करेंगे 4 एक्स बी स्क्वायर प्लस 7 का 19 बाय 4 यानी कि एक्स में उतारा हमने क्या 1। अब देखिए यहाँ पे आपको 19 बटे 4 है, यहाँ पे क्या है एक्स है, तो मैं इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई किया इसको मल्टीप्लाई किया भाई बाय में कितना होगा 8 होगा। ठीक है जी, ये साइन चेंज किया है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये आपका कैंसिल हो गया भाई। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 27 बाय 8 यानी कि ये क्या आ गया इसका आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है जी, क्लियर है, अब करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। देखिए देखो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या आ गया आपका, थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है एक्स से डिवाइड करना। देखिए यहाँ पे एक्स की क्यूब है, यहाँ पे एक्स से कुछ नहीं, तो क्या आपकी 1 पावर है, तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे आपका एक्स का क्यूब आया तो हमने क्या किया यहाँ पे एक्स स्क्वायर से क्या किया मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पावर क्या जो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर आपस में आपकी एड हो जाएगी, तो एक्स की क्यूब साइन चेंज कैंसिल हुई, फिर द्वारा हमें 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर इस पर आपकी 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर साइन चेंज फिर कैंसिल, आगे द्वारा हमें 3x फिर किस पे चलेगी आपकी 3 पे, तो साइन चेंज कैंसिल, अब क्या बच गया 1,
अब यहाँ पे वन है यहाँ पे एक्स है, अगर मैं इसको वन से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स आएगा, इसका मतलब यहाँ पी आएगा क्या बचेगा आपका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखिए ये थोड़ा सा अलग है आपका फोर्थ पार्ट है, जिसका फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट के अंदर थोड़ा सा चेंज है एक्स प्लस पाई, एक्स प्लस पाई से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं ये सारा आपका क्यूबिक इक्वेशन है एक्स की फॉर्म में, ये आपका भी एक्स प्लस पाई है, तो इसको पहले ना दिखा गया, इसको सबसे पहले क्या रखो जीरो के इक्वल, तो एक्स की यहां से वैल्यू निकालेंगे कितनी आ गई आपकी माइनस पाई, माइनस की पाई क्या पुट करेंगे अब इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे हम पुट कर देंगे, इक्वेशन आपकी क्या थी थ्री एक्स सॉरी एक्स का क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे ये वैल्यू को पुट कर देंगे, कीजिए देखो माइनस पाई की क्यूब प्लस थ्री माइनस में पाई का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू में माइनस का पाई प्लस वन। ठीक है जी, यहां पे आपकी तीन पावर है, यहां पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर यहां पे आपकी इवन पावर है, इवन यानी कि दो चार छह आठ है तो ये आपका साइन चेंज हो, अगर यहां पे ओड पावर है एक तीन पांच सात है तो उसमें आपका साइन चेंज नहीं होगा, ये एस इसका आएगा माइनस में आएगा, यहां पे टू पावर है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसको आप जाए प्लस का, यहां पे वन पावर है तो ये माइनस का, ये क्या आ सकता है इसका रिमाइंडर, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है जी, अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, देखिए लास्ट पार्ट देखिए, पहले स्टेटमेंट लिखनी एक्स की क्यूब प्लस प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, इसे डिवाइड करना हमने इसको भी फाइव प्लस टू एक्स से डिवाइड करना है, देखिए यहां पे तो है आपका एक्स्ट्रा कुछ नहीं वन है, यहां पे कितना है टू है, तो ऐसे तो गड़बड़ होगी, तो क्या करना पड़ेगा इसमें से टू कॉमन लेना पड़ेगा, फाइव प्लस में टू एक्स से टू कॉमन लिया फाइव बाय टू प्लस में, अब ये करिए तो एक्स का भी क्या वन है यहां पर क्या वन है, अब ये बिल्कुल सही आपकी चलेगी, तो मैं क्या लिखते हैं यहाँ पे एक्स प्लस फाइव बाय टू से क्या करेंगे इसको डिवाइड, देखिए वही एक्स की स्क्वायर से एक्स का क्यूब प्लस फाइव बाय टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल, थ्री में से फाइव बाय टू को माइनस करेंगे तो आप कैंसिल सिक्स माइनस का फाइव यानी कि वन बाय टू कितना है आपका वन बाय टू एक्स स्क्वायर, क्या होता है हमने भी थ्री एक्स, अब किस पे चलेगी वन बाय टू पे चलेगी वन बाय टू एक्स, वन बाय टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो फाइव बाय फोर एक्स माइनस माइनस कैंसिल, देखो भी थ्री में से फाइव बाय फोर फोर एक्स ट्वेल्व माइनस फाइव कितना आया आपका सेवन बाय फोर कितना आया आपका सेवन बाय फोर एक्स प्लस सेवन, चलाओ भी किस पे चलिए सेवन बाय फोर पे, क्यों यहाँ सेवन बाय फोर था उसी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो सेवन बाय फोर एक्स प्लस में इसकी मल्टीप्लाई की फाइव बाय टू मल्टीप्लाई में सेवन बाय फोर टू ऊपर वाले भी थर्टी फाइव बाय एट कितना आया आपका थर्टी फाइव बाय एट माइनस माइनस कैंसिल, अब देखो वन में से मैंने थर्टी फाइव बाय एट को माइनस किया एट एलसीएम एट माइनस करेगा कितना आया माइनस का ट्वेंटी सेवन बाय एट यानी कितना रिमाइंडर आएगा आपका माइनस का ट्वेंटी सेवन बाय एट। ठीक है जी, ये आपके पांच पॉइंट।